चलो अब हम आते हैं सेक्शन फाइव है। मैं पढ़ता हूं, देखो जरा। इन द फॉलोइंग सेक्शंस, फॉलोइंग मतलब आगे जितने भी सेक्शन आ रहे हैं, इसके बाहर जितने भी सेक्शन आ रहे हैं, उसमें अगर वर्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यूज किया गया है तो इसका क्या मतलब। ट्रांसफर शब्द के तीन शब्द हैं, ट्रांसफर के दो सिनोनिमस हैं, एक है कन्वेंस, कन्वे इसे बोलते हैं हस्तांतरण, ट्रांसफर को बोलते हैं अंतरण, अंतरण का मतलब एक जगह से दूसरी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। कन्वे हस्तांतरण, ये दो व्यक्तियों के बीच में एक हाथ से दूसरे हाथ में, और एक होता है एलाइनेशन, संक्रामण। संक्रामण का भी मतलब ये है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में प्रवेश करना, संक्रांति। सूर्य धनु से मकर में आ गए, संक्रांति। तो तीनों वर्ड सिनोनिमस, हम कभी एलिनेट वर्ड का यूज कर देंगे, कभी ट्रांसफर वर्ड का यूज कर देंगे, कभी कन्वे वर्ड का यूज कर देंगे, लेकिन सेक्शन फाइव यूज करता है कन्वे। मींस एन एक्ट, कोई कार्य बाय विच अ लिविंग पर्सन, जिसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति कन्वेज कन्वेज हस्तांतरण करता है, कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, आज ट्रांसफर कर रहे हैं या भविष्य में ट्रांसफर करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया। आज कर रहे हो तो भी एक एग्रीमेंट हो रहा है, और भविष्य में करोगे तो भी एक एग्रीमेंट हो रहा है। आर ये बात समझ में आपको? तो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, किनको? एक या एक से ज्यादा जीवित व्यक्ति। अब यहां दोनों बातें, पहली चीज जो समझ में आई वो ये आई कि ट्रांसफर के लिए दोनों व्यक्तियों का जीवित होना जरूरी है। कब? एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, अंतरण के दिनांक पर दोनों पक्षकारों को जीवित होना जरूरी, इसे कहते हैं ट्रांसफर इंटरवाइव्स, इंटरवाइवर्स, है ना? समझ में आ गया? ट्रांसफर इंटरवाइव्स, इंटरवाइव्स माने लिविंग पर्सन, और टू हिमसेल्फ, एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी खुद को ही ट्रांसफर करता है। मैंने ट्रस्ट की डेफिनेशन बताई, याद है? जब अपन ओनरशिप सरेंडर कर देते हैं और उसके साथ कुछ लायबिलिटी अटैच करते हैं, समझे ना? फिर मैंने ये भी बताया था ट्रस्ट चैरिटेबल, रिलीजियस, प्राइवेट, पब्लिक, बताया था। ट्रस्ट प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है? उसका मैनेजर कौन होता है? ट्रस्टी, जो सारे काम करेगा। क्लियर? अब हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी का एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है? अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट बनाया, खुद ही ट्रस्टी बन गए, और ट्रस्ट
ट्रस्ट की डीड में लिख लिया कि इससे होने वाले लाभ भी मैं ही प्राप्त करूंगा, और नीचे डीड में और लिख लिया ट्रस्ट की डीड में कि आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्टी को अंतरण करने का भी अधिकार होगा। तुमने कौन को ट्रांसफर करी, किसको ट्रांसफर किया आपने? अपने आप को, सारे राइट ले लिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी से लागे ट्रस्ट में डाल दीजिए बस, और खुद ट्रस्टी बन गए, और ट्रस्टी को सारे राइट दिए हमारे, खुद ही बेनिफिशियरी भी बन गए, प्राइवेट ट्रस्ट बनाया। तुम उनको ट्रांसफर कर रहे हो यार, खुद को हमें राइट ठीक है, और हिमसेल्फ विद अदर उस ट्रस्ट में हमने बेनिफिशरीज को भी बना ली है, ठीक है, और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, या बार बार बात एक ही आ रही है, लिविंग पर्सन। ट्रांसफर इज अ इंसिडेंट टेक्स प्लेस बिटवीन लिविंग पर्सन, हस्तांतरण कन्वेयंस या ट्रांसफर वो घटना है जो जीवित व्यक्तियों के बीच में घटित होती है। अपन शुरू में ही पढ़े हैं इस बात को, है ना, फिर एक बार वही बात आ रही है, हर व्यक्ति ट्रांसफर की डेट पे इसमें लिविंग होना जरूरी, ठीक है। अब आया और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन एंड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच, अर्थात संपत्ति अंतरण करना ऐसा कार्य कहा। Is that clear? एक बार फिर उसको अब पूछा जाए तो इसको मेंस में कैसे लिखो, है तो मेंस में लिखने का एक ही तरीका है, पहले थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन के हमेशा लॉ की जो मंशा रही है वो हमेशा प्रॉपर्टी की ट्रांसफरेबिलिटी को मेंटेन करना रहा है कि उसकी एलिनेशन ना रुके, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी स्टैग्नेंट हो जाएगी, शायद मैंने कल भी बात करी हूँ, नहीं करी आज, अगर कोई प्रॉपर्टी स्टैग्नेंट हो गई, मैंने एक डीड लिखी इसकी और भी कह दिया कि मैंने अपनी इसमें ओनरशिप रेलिंक्विश कर दी है, और इसमें बात कर रहा था हाँ, अब हम इसको लटका गए, ओनरशिप हमने रेलिंग्विश कर दी, किसी को दी नहीं, ऐसा कौन संपत्ति बिना स्वामित्व के एक मिनट भी नहीं है, एक मिनट जब तक संपत्ति अस्तित्व में है वो बिना स्वामित्व के रह ही नहीं सकती, सिर्फ एक ही अपवाद है, वो है ट्रस्ट। जिसमें ओनरशिप हैंग हो जाए, ट्रस्टी सिर्फ मैं प्रॉपर्टी के अफेयर्स को मैनेज करता है और कोई काम नहीं, ठीक है। आगे कह रहे थे लिविंग पर्सन मतलब इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के लिविंग पर्सन है, आर्टिफिशियल में कंपनी कॉरपोरेशन है ना, सोसाइटीज, ये सब लीगल पर्सनैलिटीज हैं, आर्टिफिशियल पर्सनैलिटीज हैं, इनको भी लिविंग पर्सन ही माना, ठीक है। हम प्रॉपर्टी रिलायंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, टाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, कंपनी को कर रहे हैं, रतन टाटा को थोड़े ही कर रहे हैं, मुकेश अंबानी को थोड़े ही कर रहे हैं, हमारा एग्रीमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज से है, हमारा एग्रीमेंट मुकेश अंबानी से है,
आ रहा है समझ? गेस तो बता रहे थे, बताओ पॉइंट। हाँ, तो पॉइंट पहला कि टू लिविंग पर्सन कब लिविंग एट द डेट ऑफ, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी। कन्वे मीन्स फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कन्वे हस्तांतरण, एक हाथ से दूसरे हाथ हस्तांतरण। किसको? लिव अनदर लिविंग पर्सन, नहीं, ट्रांसफरर मे ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन हिज फेवर ऑल्सो। या फिर ये बता कि ऑल टू हिमसेल्फ द वर्ल्ड ऑफ बेयर एक्ट, ऐसे सुन शुरू कर द वर्ल्ड ऑफ बेयर एक्ट क्लियरली इंडिकेट दैट देयर मस्ट बी टू लिविंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ट्रांसफर इंटर लाइफ इज अ क्लियर। तो टू अनदर पर्सन और पर्संस वेदर लीगल और आर्टिफिशियल, चाहे वो व्यक्ति नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को भी पर्सन माना गया। अब नीचे पढ़ो क्या लिखा है। ये सोसाइटीज पे भी लागू हो, उनको भी लीगल पर्सनैलिटी हो, ठीक है, लेकिन नीचे वो कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसको पढ़ो, किसको लागू नहीं। अब मान लीजिए, इधर सुनो, हम कंपनी को ट्रांसफर कर, हम कंपनी को ट्रांसफर कर, और इधर एक स्पेशल लॉ है कंपनी एक्ट, और उसमें कुछ अलग प्रोविजन ट्रांसफर के टीपी एक्ट से कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, बट उसका मोड चेंज कर रहे हैं, स्पेशल लॉ, तो वो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, फिर टीपी एक्ट प्रिवेल। नहीं समझ जाएगी बात मैंने क्या बोली। अगर कहीं पर ऐसा सिस्टम हुआ है कि क्या लिखा था लास्ट में, कोई लॉ है, हाँ, तो कोई लॉ है जो बिल्कुल पैरेलल है, स्पेशल लॉ है, उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के कोई विषय, तो जिनको लागू नहीं है स्पेशल लॉ अगर कहीं है, अगर हम कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन हमको देखने पड़ेंगे। हम अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी देखना पड़ेगा। हम अगर किसी जनरल सोसाइटी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें जो फंड्स एंड सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन होता है वो देखना पड़ेगा। ये लॉ इसके सप्लीमेंट पढ़े जाएंगे, फिर अगर रोक लगी है किसी में कि नहीं ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो फिर वो टीपी एक्ट के प्रोविजन के तहत ही ट्रांसफर नहीं होगा। किसी स्पेशल लॉ में कोई रोक लगी है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर
इस तरीके से नहीं होगी या नहीं होगी तो, और वो कोई पर्पज है, टीपीएक्ट लागू नहीं होगा, स्पेशल लॉ।